Good morning everyone, and I am here with the new questions for your PT3 exams from class 1, and subject is English and Grammar. So as we already finished our syllabus for PT3, so and in previous video I gave you 10 questions, important questions, and here are also 10 questions that is for your PT3 exam. So let's start. Question number 1, the baby dash crying. The baby dash crying. Here are options are, am, is, none of these. So our correct answer is. The baby is crying. We put is because here is a singular noun means baby. Baby means सिर्फ एक बच्चा, ठीक है? तो एक बच्चा है तो उसमें क्या लगेगा? Is, because we put is with a singular noun. So question number 2, the three lambs choose different materials to build their. Three lambs choose different materials to build their bathroom, temple, house, none of this. वो तीन जो sheep का बच्चा है उन्होंने अलग अलग सामग्री क्या का बनाने के लिए चूज किया था? हाउस. Our correct answer is house. The three lambs choose different materials to build their house. So our question number 3, whom does the mother sheep want her little lambs about? मदर सीप ने किसके बारे में उन लोगों को चेतावनी दिया था? क्वेश्चन ऑप्शंस आर टाइगर्स, बियर्स, हुल्फ, जिराफ. सो आवर करेक्ट आंसर इज हुल्फ. मदर ने अपने बच्चे लैम्स को किसके बारे में चेतावनी दिया था? हुल्फ के बारे में. क्वेश्चन नंबर 4, वी डैश फॉर द बस. वी मतलब प्लूरल हुआ तो क्या लगेगा उसमें? आर. तो वी डैश फॉर द बस. वी आर वेटिंग होगा, आर राइटिंग होगा, आर स्लीपिंग होगा, आर ड्रिंकिंग होगा. सो करेक्ट हम लोगों को वर्ब डालना है तो क्या लगेगा? वी आर वेटिंग फॉर द बस. हम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं. वी आर वेटिंग फॉर द बस. क्वेश्चन नंबर 5, हु गेट टायर्ड एंड गोज अवे. कौन थका और वापस चला गया? ऑप्शन आर शीप, लैम्ब, हुल्स, नन ऑफ दिस. आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, हुल्स. कौन थक गया था? हुल्स थक गया था और वापस चला गया था. डैश एम इन क्लास 1, क्या लगेगा? एम के साथ हमेशा क्या लगता है हम लोग का? ऑप्शन जे आई, ही, दे, सी. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, आई. एम के साथ हमेशा क्या लगता है? आई. आई एम इन क्लास 1. यू, यू के साथ हमेशा क्या लगता है? यू डैश लेट टूडे. एम, इज, आर, नन ऑफ दिस. यू के साथ हमेशा क्या लगता है? आर. यू आर लेट टूडे. क्वेश्चन नंबर 9, हु गोज टू द लिविंग रूम टू चेक. लिविंग रूम में रात को कौन गया था देखने के लिए? निधि, मम्मी, डैडी, नन ऑफ दिस. कौन गया था? निधि गया था, है ना, फ्लैश लाइट लेकर के. सो आवर लास्ट क्वेश्चन, हु लिव्स विथ थ्री लैम्प्स. तीन लैम्प के साथ कौन रहता था? गोट, काउ, डॉग, शीप. आवर राइट आंसर इज शीप, क्योंकि शीप के बच्चे को लैम्प बोलते हैं ना. तो तीन लैम्प के साथ कौन रहता था? शीप, भेड़. So this much for today, and these questions are very important. You have to copy in your fair copy. So I will come back with next video. Till then, goodbye.